जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मेरी क्रिसमस टू ऑल। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। आज हम लोग इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या इसमें अब क्रिसमस विस्फोट होने जा रहा है या नया साल के उमंग में इस स्टॉक में तेजी बनने जा रही है, क्या इसके पीछे की लॉजिक है, किस वजह से आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सारे मुद्दों को इस वीडियो में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे एंड कवर करेंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी रेड फ्लैग में ये स्टॉक आपको नहीं दिखेगा। रेड फ्लैग कहने का मतलब ना तो ये स्टॉक अभी एएसएम की कैटेगरी में है ना ही जीएसएम की कैटेगरी में, यानी कि जो सबसे टेंशन वाली बात होती है कि जो सामान्यतः छोटे स्टॉक होते हैं ज़्यादातर देखेंगे तो एएसएम या जीएसएम की कैटेगरी में रहते हैं, तो इसमें से ये स्टॉक भी बाहर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक अभी रिसेंटली जो अपर सर्किट लगा था 21 तारीख को लगा था 2.21 का 21 दिसंबर को, यानी कि समय समय पर इसमें अपर सर्किट भी स्टॉक मतलब अपर सर्किट में भी स्टॉक चल रहा है, लोअर सर्किट का इसमें नामो निशान नहीं है। अपर सर्किट में क्या होता है कि स्टॉक तेजी से उसका प्राइस ऊपर जाता है, हालांकि अपर सर्किट लगने में कोई लोग बाई नहीं करते, इसलिए जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट होता है इस तरह के स्टॉक में वो लोग मजे में होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हम लोग आ गए हैं अभी कॉर्पोरेट एक्शंस पर एंड रिजल्ट्स पर। कॉर्पोरेट एक्शंस में देखेंगे तो इसने जो लास्ट बार स्टॉक को स्प्लिट किया था 2012 में किया था, और अभी तकरीबन 10 से 11 सालों से इस स्टॉक ने कोई स्प्लिट नहीं किया है। प्रबल संभावना है कि 2024 आने जा रहा है, 2024 में आपको इस स्टॉक में स्प्लिट या बोनस का न्यूज़ देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा हो रही है कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको स्प्लिट या बोनस शेयर देना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः कोई भी स्टॉक होता है 5 साल 10 साल में एक बार बोनस शेयर इशू करता ही करता है। तो अपमान कर चले कि आपको 2024 में कहीं ना कहीं बोनस या स्प्लिट का अच्छा न्यूज मिलने जा रहा है इस स्टॉक के प्रति। दूसरी चीज यहाँ पे रिजल्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो यहाँ पे जब रिजल्ट्स देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो जून क्वार्टर में रिजल्ट था 3.35 करोड़ था, सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 3.87 करोड़ हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ, एकदम नेट प्रॉफिट जो टैक्स वैक्स देने के बाद बचता है, यानी कि आप देख रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बढ़ रहा है, और अभी तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने बाकी हैं, तो जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा वह भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा, न कि डिक्रीज होते हुए दिखेगा। इसके अलावा यदि हम लोग अर्निंग पर शेयर की बात करें ईपीएस, तो ईपीएस भी देखिए पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, यानी कि आपके पास जो शेयर है उस पर जो कमाई है वो बढ़ रही है, और ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। रेवेन्यू की बात करें कंपनी ओवरऑल कितना कमा रही थी वह भी देखिए, आपको पहले 5 करोड़ था फिर बढ़कर 6 करोड़ हुआ, यह अभी बढ़ रहा है। ओवरऑल हर एक चीज़ इस स्टॉक में आपको बेहतर होते हुए दिख रहा है, इसलिए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इंडियन इन्फोटेक में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब चलिए हम सीधे चलते हैं फिर से अपने स्क्रीन की वेबसाइट पर और यहाँ पे बाकी चीज़ों को समझते हैं। नाम के बारे में आपको सबको पता है कि जो कंपनी है एनबीएफसी कंपनी है, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एनबीएफसी जो कंपनी है उनका इन दिनों बहुत जलवा है, क्योंकि ये इजीली लोन वगैरह जो होता है प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए लोग बैंकों के चक्कर में ना पड़कर आजकल एनबीएफसी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इस तरह की कंपनियों का डिमांड इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि ये जो कंपनियाँ होती हैं आजकल जितनी भी चीज़ें लोन्स पर ली जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा ईएमआई पर जो चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं एनबीएफसी कंपनी ही प्रोवाइड कराती है, और ये जो इंडियन इन्फोटेक है एनबीएफसी में एक जाना पहचाना कंपनी बन गया है, तो आने वाले समय में यह भी आपको बजाज फिनसर्व जैसा बनते हुए दिख सकता है। काम के भी यहाँ पे यदि समझे तो कंपनी काफ़ी आगे आगे जाएगी, ग्रो करेगी, और फंडामेंटल के बारे में जैसे मैंने आपको आगे बता ही दिया, थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। 214 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। पीई भी देखेंगे तो ओवरऑल जो दूसरे पेन स्टॉक्स हैं उनके मुकाबले पीई भी ठीक है, हालांकि शेयर प्राइस देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा। आप ये मत सोचिए कि शेयर प्राइस सिर्फ 2 रुपये है, स्टॉक पीई के हिसाब से देखेंगे तो ये भी अभी ज़्यादा है, हालांकि हम चार्ट पर देखेंगे कहाँ पर हमें इसको उठाना है। दूसरी बात कंपनी का जो बुक वैल्यू है उससे थोड़ा सा ही शेयर प्राइस कम है, लेकिन उतनी चिंता की बात नहीं है क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और जो आरओसी है वो दोनों पॉजिटिव में, ये दोनों माइनस में नहीं है, तो पॉजिटिव में है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा कर देगी। यही वजह है कि जो मैंने वहां पर आपको दिखाया था वहां पर जो कंपनी का ईपीएस है वो आपको बढ़ते हुए दिख रहा है न कि घटते हुए दिख रहा है। अब हम लोग आ गए हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर, और यहाँ पर समझते हैं कि नए व्यक्ति को अभी जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है तो उसे कहाँ पर उठाना है। तो देखिए अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ये देखिए 1.80 रुपये से ऊपर 2 रुपये का जो लेवल है ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं पर बार बार आके कंपनी का शेयर प्राइस सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर उठ रहा है, हालांकि इसके नीचे भी आ रहा है लेकिन ये इसके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा। इस बार यदि प्राइस ये जो नीचे आ रहा है नीचे आता है तो ये आएगा 2 रुपये के आसपास, 2 रुपये के आसपास से फिर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर उठेगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए जरूर आएगा, और सपोर्ट लेने के लिए जैसे आए और फिर
उठने लगे, तो यहाँ पे आप नए व्यक्ति जो 2 रुपए के आसपास है, जैसे प्राइस उठने लगे यहाँ पे जरूर आप एंट्री ले लीजिएगा और लंबी अवधि के सोच के साथ इसमें एंट्री ले लीजिएगा। बाकी जिसके पास इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें प्रॉफिट बुक करने पर भी ध्यान देते रहना चाहिए। बाकी हेजिंग करना चाहते तो जो नए व्यक्ति के लिए रणनीति है वही हेजिंग करने के लिए भी पुराने व्यक्तियों के लिए रणनीति रहेगी। 2 रुपए से ऊपर प्राइस निकले तो आप यहाँ पे इसको उठा सकते हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अभी भी इस स्टॉक में जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी अच्छी मात्रा में है। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें तो सामान्यतः प्रमोटर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें देखिए तकरीबन 8% के आसपास प्रमोटर्स अभी भी है। पिछले कुछ क्वार्टर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी आपको घटती हुई जरूर देखिए, लेकिन फिर भी 8% के आसपास प्रमोटर्स हैं तो ये बढ़िया बात है। पब्लिक की हिस्सेदारी उसी समय में देखेंगे तो बढ़ी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है शेयर्स पब्लिक के पास आएंगे तो पब्लिक इस कंपनी को खरीदेगी ही, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी उज्ज्वल है, तो फ्यूचर जिस कंपनी का उज्ज्वल रहेगा उसमें लोग अपना पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में जो बातें मैं आपको बताया आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।